मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कपल पहाड़ों पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। उनमें से वो आदमी पहले ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर जब वो लड़की उसे अपने आप को ऊपर खींचने के लिए कहती है तो उसके चेहरे पर खून गिरता है, जिसके बाद में अब उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी को कोई नीचे फेंक देता है। ये देखकर वो लड़की जल्दी से अपनी रस्सी को काटती है। रस्सी को काटने के बाद में वो भी नीचे गिर जाती है। नीचे उसका बॉयफ्रेंड मरा हुआ पड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर के यहाँ से भागती है। वो अपनी कार की तरफ भागती है, मगर तभी कटीले तार में फंसकर वो गिर जाती है और उसे कोई घसीट ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो हाईवे पर अपनी कार से किसी दूसरे शहर की ओर जा रहा होता है। अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए वो हाईवे पर ये देखता है कि यहाँ पर काफी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जिसके बाद में वो अपनी कार से उतरकर ट्रैफिक के रीजन के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि आगे किसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर काफी देर से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वो अपनी कार को पीछे लेता है। क्रिस फोन करके अपने ऑफिस में लेट होने के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, जिसके बाद में वो एक गैस स्टेशन जाने के लिए एक शॉर्टकट ले लेता है। जल्द ही वो गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, मगर ये फोन काम नहीं कर रहा होता है। वो गैस स्टेशन के ओनर से बताता है कि आगे हाईवे का रास्ता जाम है, क्या कोई दूसरा रास्ता है आगे जाने का। उसे पास में तभी एक नक्शा दिखता है। उसमें उसे दिखता है कि जंगलों के जरिए एक शॉर्टकट है जो कुछ दूर जाने के बाद में हाईवे से जाकर मिलता है। अब क्रिस यहां पर इसी शॉर्टकट को फॉलो करते हुए रॉन्ग टर्न ले लेता है। क्रिस इस सुनसान जंगल के बीच में इस पतली सी रोड को कंटिन्यू करता है। जब वो अपनी कार में सॉन्ग की सीडी को चेंज कर रहा होता है तो अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट दूसरी कार से हो जाता है, मगर खुशकिस्मत से उस कार में कोई भी नहीं था, सभी लोग बाहर थे। क्रिस इन सभी लोगों से इस बात के लिए माफी मांगता है। अब यहाँ पर हम लोगों को पांच और फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। ये लोग जेसी, कार्ली, स्कॉट, फ्रांसिन और इवान होते हैं। इन लोगों की गाड़ी इस जगह पर पंक्चर हो गई थी। वो लोग ये कहते हैं कि किसी ने जानबूझकर ये कटीले तार रोड पर डाले थे। क्रिस की गाड़ी भी खराब हो गई होती है। वो सभी लोग अब किसी से मदद मांगने के लिए पैदल ही हेल्प के लिए निकल जाते हैं। कार के पास में इस साइड दो लोग बचते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि इन पर कोई नजर भी रख रहा है। इस साइड में ये चारों लोग इसी रोड को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, मगर जल्द ही इस रोड का डेड एंड आ जाता है, यानी कि इसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो सभी लोग अब बेहद हैरान होते हैं। इधर इवान जब कार में कुछ चेक कर रहा होता है तो उसे कोई उठा ले जाता है। जेसी को इस बात की खबर तक नहीं हो पाती है, जिससे वो इवान को ढूंढते हुए जब रोड के साइड में जाती है तो उसे इवान का जूता मिलता है। वो अब और आगे जाती है तो उसे एक कटा हुआ कान दिखता है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मगर वो कुछ रिएक्ट करती ही है। उसे भी कोई पीछे से आके मार देता है। दूसरी साइड में ये लोग एक कच्चे रास्ते को फॉलो करते हैं तो वो लोग एक घर के पास में पहुंच जाते हैं। ये घर बेहद ही अजीब होता है। आसपास में उसके कई सारी बंद पड़ी गाड़ियां भी होती हैं। वो सभी लोग इस घर में जाकर हेल्प मांगने की सोचते हैं। कार्ली को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, मगर फिर भी वो सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। इस घर के अंदर काफी गंदगी होती है। कार्ली देखती है कि यहाँ पर कई सारी कार की चाबियां हैं। सभी लोग इस घर की चीजों को छानबीन करने लगते हैं। कई लोगों के यहाँ पर बेहद अजीब सी चीजें दिखती हैं, मगर फ्रांसिस जब बाथटब के पास में जाती है तो उसे उसमें किसी की लाश मिलती है। सब समझ जाते हैं कि ये जगह काफी खतरनाक है। वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो तभी खिड़की से देखते हैं कि इस घर में रहने वाले अब आ चुके हैं, जिससे वो सभी लोग अब उस घर में छिप जाते हैं। क्रिस और कार्ली दोनों लोग छिप कर उन लोगों को देखते हैं, मगर तभी उनके आगे वो जेसी की डेड बॉडी को रख देते हैं। ये देख के इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। अब ये जो भी दरिंदे होते हैं वो जेसी की बॉडी को काटने लगते हैं। कुछ समय बाद में जब वो जेसी की बॉडी को काट लेते हैं तो वो दोनों दरिंदे सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस और कार्ली यहाँ से धीरे से निकलने की कोशिश करते हैं। स्कॉट और फ्रांसिस वो दोनों लोग भी उनके साथ में निकलने की कोशिश करते हैं, और जब वो सभी लोग चुपके से यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी वो दरिंदा जाग जाता है, जिसके बाद में अब ये सभी लोग यहाँ से जल्दी से भागते हैं। इन लोगों ने अभी यहाँ पर जो भी देखा था उसे देखकर ये सभी लोग बेहद घबरा चुके होते हैं। वो सभी लोग थोड़ी दूर चल के जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को कई सारी कार एक साथ में दिखती है। इन सभी कारों पर खून के निशान लगे होते हैं, जिससे ये लोग जान जाते हैं कि इन सभी लोगों को इन दरिंदों ने ही मारा है। ये सभी लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि ये दरिंदे अपनी गाड़ी से यहाँ भी आ जाते हैं। अब ये सभी लोग उन दरिंदों से छिपते हैं। स्कॉट यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो कहता
कहता है कि हमें उनकी कार को लेके भागना होगा। एक लोग अगर दूसरी साइड में जाके इनका ध्यान भटकाएगा तो बाकी लोग कार में जा सकते हैं। क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए भागता है, मगर इसी के दौरान में वो दरिंदे क्रिस के पैर में तीर मार देते हैं, जिसके बाद में उसको बचाने के लिए स्कॉट उन लोगों का ध्यान खींचते हुए दूसरी साइड में भागता है। और यहाँ पर अब दोनों लड़कियां क्रिस की मदद करते हुए कार में आ जाते हैं। वो तीनों लोग कार से इस जगह से निकलते हैं। कार को वो लोग स्कॉट के पास में लाते हैं, मगर वो दरिंदे स्कॉट को भी तीर से मार देते हैं, जिसके बाद में अब वो सभी लोग कार से अब यहाँ से चले जाते हैं। और इधर ये दरिंदे स्कॉट की बॉडी को घसीट ले जाते हैं। अब तीनों लोग कार के जरिए इसी कच्ची रोड को फॉलो करते हैं, मगर आगे सड़क पर पेड़ गिरा होता है, जिसके बाद में वो अब यहाँ से आगे पैदल ही जाते हैं। कुछ देर वो पैदल ही जंगल में घूमते हैं। उन्हें वहाँ पर एक वॉच टावर दिखता है, जिसके बाद में वो सभी लोग इस वॉच टावर पर चढ़ जाते हैं। इस वॉच टावर में वो कुछ अपने जरूरत के सामान को ढूंढते हैं। उन्हें वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स भी मिलता है। इस जगह पर एक रेडियो भी रखा होता है, जिससे वो इसकी मदद से किसी के हेल्प के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन इतने में ही वो नरभक्षी दरिंदे यहाँ भी आ जाते हैं। अंदर आने का गेट इन लोगों ने लॉक करके रखा होता है, जिससे अब ये जो दरिंदे होते हैं वो वॉच टावर में आग लगा देते हैं। इस जगह से इन तीनों लोगों को अब जल्दी से भागना होगा। उनके पास में ही एक पेड़ की शाखा होती है, जिस पर क्रिस कूद जाता है, और बाद में वो लड़कियां भी उसी पेड़ पर कूद जाती हैं। वॉच टावर के बाद में वो तीनों इस पेड़ पर आ चुके होते हैं, मगर ये दरिंदे पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। वो दरिंदे अब यहाँ पर फ्रांसिन को मार देते हैं। क्रिस और कार्ली दोनों लोग एक आइडिया लगाते हैं, जिसके बाद में वो एक टहनी की मदद से उस दरिंदे को नीचे गिरा देते हैं। और अब यहाँ पर वो दोनों लोग इस जगह से निकल जाते हैं। वो दोनों लोग इस जगह से भाग कर अब एक सेफ जगह पर रुकते हैं। कार्ली यहाँ पर बेहद ही डरी होती है, और अब दोनों लोग इस रात को यहीं पर बिताते हैं। अब अगला दिन होने पर वो दोनों लोग इस जगह से निकलते हैं। वो दोनों लोग जंगल में थोड़ी दूर चलते हुए जाते हैं, जिसके बाद में उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। वो नीचे जाने का प्लान बनाते हैं, मगर तब तक वो दरिंदा आगे क्रिस को नीचे ढकेल देता है, और कार्लिक को यहाँ पर वो उठा ले जाता है। क्रिस देखता है कि रोड पर पुलिस की गाड़ी आ रही है। वो पुलिस की गाड़ी के पास जाके उसे रुकाकर हेल्प के लिए कहता है, मगर इतने में ही एक तीर उस पुलिस वाले के आंख के आर पार हो जाती है। क्रिस जल्दी से कार के नीचे छिप जाता है। क्रिस यहाँ पर किसी तरह चकमा देके उस दरिंदे की नजरों से बचकर जब वो दरिंदा पुलिस की कार लेके जा रहा होता है, तो वो भी उसके साथ चुपके से चला जाता है। इस साइड में अब हम उन दरिंदे कैनिबल्स के घर को देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने कार्लिक को बांध कर रखा होता है। ये दरिंदे अब उसको भी मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा कैनिबल भी आ जाता है। वो अपने साथ में पुलिस वाले की लाश को लाया होता है। पुलिस वाले की डेड बॉडी को अंदर लाने के बाद में जब उसे वो लोग काट रहे होते हैं, तो इसी दौरान क्रिस बाहर से उनके गेट पर आग लगा देता है, जिसके बाद में क्रिस कार को ही अंदर घुसा लाता है। अब यहाँ पर उस कैनिबल और क्रिस के बीच में फाइट होती है। क्रिस चाकू की मदद से पहले एक दरिंदे को मारता है, उसके मरने के बाद में वो कार्ली को छुड़ा लेता है, और अब यहाँ पर दोनों लोग मिलकर उस दूसरे कैनिबल को भी मार देते हैं। वो दोनों लोग अब बाहर जाकर इस जगह को जला देते हैं। क्रिस और कार्ली अब दोनों लोग इस जगह से निकलते हैं। क्रिस पहले उस गैस स्टेशन पर जाता है, जिसके बाद में वो यहाँ से उस मैप को फाड़ देता है। दोनों लोग इस जगह से बचकर निकल जाते हैं। अब दूसरी साइड में हमें फिर से जब उसी जगह पर दिखाया जाता है कि पुलिस जब उस जगह की तलाश पर गई थी, तो यहाँ पर थ्री फिंगर्स नाम का एक कैनिबल अभी भी जिंदा था, और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, ये थी हमारी 2003 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है रॉन्ग टर्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। ये पार्ट वन का एक्सप्लेनेशन था, और बाकी के पार्ट के एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।